Focal length of objective and eyepiece of a Galilean telescope are 50 cm and 5 cm. Find the magnifying power and tube length in normal arrangement. बात हो रही है गैलीलियन टेलीस्कोप की। गैलीलियन टेलीस्कोप बच्चों आपको ध्यान होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव तो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। इस ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर, पर आईपीस जो होता है वो कॉनकेव होता है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर। में विदाउट साइन यहाँ पर जस्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 5 सेंटीमीटर। अब नॉर्मल अरेंजमेंट जो होता है, नॉर्मल अरेंजमेंट का मतलब होता है जब फाइनल इमेज हमारी इनफाइनाइट पर बनती है। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। इस अरेंजमेंट के लिए हमें मैग्नीफाइंग पावर भी बतानी है और ट्यूब लेंथ भी। तो बच्चों आपको ध्यान होगा, मैंने आपको समझाया था कि ये सारे फॉर्मूले एस्ट्रोनॉमिकल की तरह ही होंगे, बस हमें एफ ई को रिप्लेस करना होगा माइनस एफ ई से। जैसे इनफाइनाइट वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर जो है एम इनफाइनाइट, ये एस्ट्रोनॉमिकल के केस में होती थी माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, पर एफ ई की जगह जब हम माइनस एफ ई लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये गैलीलियन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, 50 अपॉन 5, तो यहाँ पर 5 का हमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। इसके अलावा ट्यूब लेंथ भी हमें बतानी है। तो आपको ध्यान होगा एस्ट्रोनॉमिकल के लिए ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला नॉर्मल अरेंजमेंट में हो जाता है एफ ओ प्लस एफ ई, बट एफ ई को हम रिप्लेस करेंगे माइनस एफ ई से, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ओ की वैल्यू 50 और एफ ई की वैल्यू 5, सो इट विल बी 45 सेंटीमीटर। सो दिस इज आंसर।